कोलाहल कैसा? प्रभु श्री राम की जय। 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 राम 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 प्रभु। प्रभु श्री राम, महाराज सुग्रीव, माता सीता लंका में ही हैं। हमने उन्हें ढूंढ लिया है। ये संवाद सुनने के लिए मैं कब से आतुर हूं अंगद। विस्तार से बताओ पुत्र, माता सीता को कैसे ढूंढा तुमने? प्रभु, महाराज, दक्षिणी सागर बड़ा विशाल है। उसके उस पार चित्रकूट पर्वत पर लंका नगरी स्थित है। वो कोई साधारण नगरी नहीं, अत्यंत समृद्ध स्वर्ण नगरी है। हाँ प्रभु राम, राक्षसों के राजा दशानन रावण की राजधानी है लंका। दुष्ट दुरात्मा है वो रावण प्रभु। उसी ने माता सीता का हरण किया है प्रभु। और लंका में अशोक वाटिका में उन्हें बंदी बनाकर रखा है प्रभु। प्रभु, अब तो हमने ज्ञात कर लिया है कि माता वही है। हमें तत्काल दल बल के साथ वहां जाकर उस दुष्ट रावण को युद्ध में पराजित कर माता सीता को मुक्त कराना चाहिए। हाँ युवराज अंगद, परंतु पहले मुझे ये बताइए, कैसी है जानकी? वो कुशल तो है ना? उनकी मनोदशा कैसी है? क्या कहा उन्होंने आप? कुछ पूछा मेरे बारे में? मेरे लिए उन्होंने अपना कुछ चिन्ह, कोई संदेशा भेजा क्या? बताइए मुझे। ये तो हनुमान ही बताएंगे महाराज। प्रभु के सम्मुख आई, भक्त विहल भावुक भगवाना, लोचन बरसे अश्रु धारा। कौन है? स्वामी, आप इस प्रकार अपने मुख को छुपाकर चोरों के समान। अपनी प्रजा का सामना करने का साहस नहीं जुटा सकते। सावधान देवी मंदोदरी, सावधान। श्रेष्ठ वचन सहन करना मेरे स्वभाव में नहीं।
जब मैंने इसी कारण से अपनी माता को जाने से नहीं रोका, तो मैं आपको भी यहाँ से जाने के लिए बाध्य कर सकता हूँ। आप मुझसे, अपनी माता से, अपनी प्रजा से सबसे भाग सकते, परंतु नाथ, अपने आप से, अपनी नियति से कैसे भागेंगे आप? अपनी रक्षा के लिए मेरी बात मान लीजिए स्वामी, देवी सीता को वापस लौटा दी, अन्यथा उनके सतीत्व की अग्नि आपको भी झुलसा देगी। इससे पूर्व मेरे सभी मंत्री और सेनापति भी यही माने, मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। प्रणाम प्रभु। कल्याण हो हनुमान। चिन्ह स्वरूप अपनी ये चूड़ामणि माता जानकी ने आपके लिए भेजी है प्रभु। जानकी का स्मरण कर मेरा गला रुंध रहा है, नेत्र अश्रुओं से भर जाते हैं। भ्राता लक्ष्मण, तुम ही इसे देखकर पहचानो, क्या ये तुम्हारी भाभी मां की चूड़ामणि है? क्षमा करे भैया, सदा जिनके चरणों को स्पर्श कर उनका स्नेह आशीष पाता था, मैं तो मात्र उनके चरणों को पहचानता हूं। जानकी के केश को सुशोभित करने वाला ये आभूषण उनके पिता महाराज जनक ने उन्हें दिया था। माता ने बड़े स्नेह से इससे उनके केश बांधे थे। जानकी के अनुपम सौंदर्य को और प्रखर करने वाली ये चूड़ामणि देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरी जानकी मेरे सामने खड़ी है। उनके वियोग का दुख मेरे हृदय को व्याकुल कर रहा है। हनुमान बताओ, कुछ और भी बताया मेरी जानकी ने तुम्हें? हाँ प्रभु, माता ने उस घटना का भी वर्णन किया जब आप निद्रा मग्न थे और काका सुर रूप में आकर देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने माता सीता पर वार किया। देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने माता सीता को पीड़ा दी। तब आप प्रभु इतने कुपित हुए कि उसको दंडित करने के लिए
आपने उस पर ब्रह्मास्त्र का वार किया। अंततः अपने दुस्साहस के लिए जयंत को अपना एक नेत्र गंवाना पड़ा प्रभु। इस प्रसंग का ज्ञान मेरे और सीता के सिवाय किसी को नहीं है हनुमान। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है हनुमान, तुम मेरी सीता से ही मिले थे। मेरे इस व्यथित हृदय को अपने वचनों से शीतलता प्रदान करो हनुमान। बताओ मुझे कैसी है मेरी सीता? उन अत्यंत भयंकर राक्षसों के बीच कैसे रह रही है? बताओ मुझे मेरे बारे में और क्या कहा उसने? प्रभु, जैसे शरद ऋतु में कमल पुष्प कुमला जाता है, मुझसे भेंट होने के पूर्व उनकी वैसी ही स्थिति थी। निरंतर अश्रु धारा बहती थी उनके कमल नयनों से। आपके विरह व्यथा से पीड़ित उस दुष्ट राक्षस दशानन और उसकी राक्षसियों के वचनों से प्रताड़ित वो तो अपने प्राण देना चाहते थे प्रभु, परंतु मैंने जब उनसे भेंट की और उन्हें आपकी स्तुति गाकर सुनाई, आपकी मुद्रिका देकर उन्हें आपका संदेश दिया, तब प्रभु आपकी कृपा से मैं उनमें आशा विश्वास और उत्साह जागृत करने में सफल रहा प्रभु। प्रभु, जनक नंदिनी अयोध्या की रानी एक वृक्ष के नीचे रहने पर बाध्य है प्रभु। कठोर भूमि ही अब उनकी शैया है, परंतु इससे उन्हें कोई कष्ट नहीं। वो दुष्ट राक्षस दशानन बारंबार आकर उन्हें धमकाता है, परंतु इन सब से भी माता को कोई कष्ट नहीं है प्रभु। उन्हें तो मात्र एक ही कष्ट है, आपसे वियोग का कष्ट प्रभु। प्रतिपल आप ही का नाम स्मरण करती हैं वो, उनके हृदय की प्रत्येक कंपन से आप ही का नाम गूंजता है प्रभु। हर श्वास आप ही को पुकारती है प्रभु। उनके मुख पर केवल राम है, मन में राम है। प्रभु, मैंने माता को अपने साथ चलने को कहा, परंतु उन्होंने अस्वीकार कर दिया ताकि आपकी प्रतिष्ठा को ठेस न पहुंचे। जब आप स्वयं उस पापी का अंत करेंगे, तभी वो अपनी मुक्ति स्वीकार करेंगे प्रभु। उन्होंने आपके लिए एक संदेश भी भेजा है प्रभु। के शब्दों में आपको सुनाता हूं प्रभु। हे दशरथ नंदन, हे स्वामी, मैं अभागिनी आपकी अर्धांगिनी, उस दुष्ट राक्षस द्वारा हरण किए जाने के कारण मैं आपसे दूर रहने पर विवश हूं स्वामी। अब आपका वियोग मैं एक माह से अधिक नहीं सह सकूंगी। यदि उसके पश्चात मुझे आपके दर्शन ना हुए, तो
तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। हे नाथ, हे प्रियतम, उसके पूर्व यहाँ आकर मुझे यहाँ से मुक्त करा कर ले जाइए। प्रभु, ये माता के वचन हैं। लंका में शक्ति और सामर्थ्य की कोई कमी नहीं। विश्वकर्मा को हम लंका का पुनर्निर्माण करने के लिए विवश कर सकते हैं। फिर स्वर्ण नगरी बना सकते हैं अपनी इस लंका को। परंतु क्या इतने दयालु हैं हम? जो दुष्ट वानर के अपराधों को भूलकर क्षमा कर दे उसे। यदि क्षमा कर दिया तो क्या समझेगा यह संसार हमें, दयालु या भीरू? इतिहास हमें कर्मठ राक्षस बुलाएगा या लाचार राक्षस? बताइए क्या करें हम, अपने स्वाभिमान की रक्षा करें या टेक दें घुटने उस वनवासी नर और उसके सेवक उस दुष्ट वानर के सामने? हनुमान, मेरी जानकी के हृदय से उपजे ये शब्द मेरे लिए अमूल्य है। उस शत योजन सागर को पार कर तुमने सीता को ढांढस बंधाने का दुष्कर कार्य किया है, जो संपूर्ण पृथ्वी पर कोई और करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। हनुमान, तुमने मेरी जानकी को ढूंढकर मुझे, लक्ष्मण को और संपूर्ण रघुकुल को नष्ट होने से बचाया है। किसी देवता, ऋषि मुनि या योद्धा ने भी मुझ पर इतना बड़ा उपकार कर मुझे अपना ऋणी नहीं बनाया। हनुमान, परंतु मैं एक वनवासी तुम्हें कुछ भी देने में असमर्थ हूं, और यदि कुछ दे भी सकता तो भी इस ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता था। प्रभु, आपकी सेवा तो आपके इस सेवक का धर्म है। मैंने जो कुछ भी किया आपकी कृपा से ही किया प्रभु। कुछ भी कहो हनुमान, मैं तुम्हारा ऋणी हूं और ऋण होने के लिए मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय तुम्हें अपने हृदय से लगाने के। आपने मुझे धन्य कर दिया प्रभु, अपने हृदय से लगाकर मुझे परमानंद दे दिया। अब मेरी
एक ही इच्छा शेष है प्रभु, माता सीता के साथ आपके दर्शन का सुख प्राप्त करूं प्रभु। उस बानर के द्वारा हमारे शूरवीर योद्धाओं के वध को भूल जाए, भूल जाए कि उसने मेरे कनिष्ठ पुत्र अक्ष कुमार की निर्मम हत्या की है। क्या उसे उचित दंड नहीं देना चाहिए हमें? बोलिए। कहिए भ्राता महोदर, भ्राता महाप्रस्थ, भूल जाए उस वनवासी नर के अपराध को, भूल जाए खरभूषण, बारिज, सुबाहु जैसे राक्षस योद्धाओं के पद को, ताड़का जैसी भयंकर तेजस्विनी राक्षसी का सहार भूल जाए। क्या चाहते हैं आप? गिड़गिड़ाते हुए उस वनवासी के पास जाए, लौटा दे सीता उसे, क्षमा मांग ले उससे या महाराज। उचित तो यही होगा कि हम सीता को लौटा दें। अनुसार ये उचित है? जी महाराज। भ्राता रावण ने यह सभा हमसे सत्य सुनने के लिए नहीं बुलाई है, वो तो वही सुनना चाहते हैं जो उनके मन में है। हाँ भ्राता महोदर, यदि हमने समर्पण करने का सुझाव दिया तो हमारी मृत्यु निश्चित है। काका सिंह, ऐसा प्रतीत होता है जैसे महाराज पूछ नहीं रहे हैं, धमका रहे हैं, जिससे कोई उनके विपरीत जाने की चेष्टा ना कर सके। ठीक कह रहे हो पुत्र निकुंभ, यदि कोई और विचार मन में आए तो उसे दबा लेना, अन्यथा परिणाम तुम जानते हो। काट की मूर्तियां क्यों बने बैठे हैं आप लोग? क्या लंका के अपराजय महायोद्धाओं को लालायत है मेरे कान आपका उत्तर सुनने के लिए? बोलिए, युद्ध की तैयारी करें या क्षमा प्रस्ताव भेजकर एक लज्जापूर्ण शांति स्थापित करें? हमें क्षमा नहीं, युद्ध चाहिए। हमें दया नहीं, प्रतिशोध चाहिए। प्रभु, अब युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। प्रभु, मेरे समझाने पर उस अहंकारी ने मेरी ही पूंछ में अग्नि लगवा दी।
और उसी अग्नि से हनुमान ने लंका दहन कर दी। उसके महान योद्धाओं का भी संहार हनुमान जी ने किया। हाँ प्रभु, महापराक्रमी रावण पुत्र अक्ष कुमार का वध भी हनुमान ने ही किया, परंतु रस्सी जल गई, बल नहीं गया, दंभी रावण अभी भी नहीं समझा। तो भैया अभी हम चलकर उसका दंभ दूर कर देते हैं और भाभी माँ को वापस लेकर आ जाते हैं। प्रभु आप आज्ञा दीजिए, मेरी सेना तत्पर है युद्ध के लिए। भ्राताश्री, आदेश दीजिए भ्राताश्री, अपने इस अनुज को मैं अभी जाकर उस नर और वानर की जोड़ी का अंत करता हूँ। वो हमारे शत्रु हैं, उनका अंत होना अनिवार्य है। आप आदेश ना भी दे महाराज तो भी मैं उनका संहार करूंगा। उन निकृष्ट राक्षसों से युद्ध कर माता सीता को लंका से मुक्त कराने के लिए हनुमान भी तत्पर है प्रभु। बड़ी से बड़ी सफलता को भी विनम्रता और मर्यादा के साथ स्वीकार करना चाहिए।